हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि सोलर लैंप जो ठीक है ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के लैंप आपको काफी सारे सरकारी समिति और स्कूलों में कम मूल्य में उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, ये MNRE बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मदद से आपको कम मूल्य में मिलता है। और ये जो है MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी ये ऑन होता है, कभी कभी देखिए ये हो रहा है ऑन। अभी देखिए आप आवाज सुन पा रहे होंगे, लेकिन ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी कभी जोर से दबाने पे काम कर जा रहा है, कभी कभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर ढंग से ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे, ठीक है, या बिल्कुल काम नहीं करे, तो आपको सबसे पहले एक ट्वीजर लेना है, चिमटी, उससे इसके दोनों लेग को बोल। आप यहाँ देखिए, ये भी देखते रहिए, और देखिए इसमें दो लेग है, दो लेग इस साइड, दो लेग इस साइड, किसी तरफ के दो लेग को शॉर्ट करना है आपको। ठीक है, देखिए शॉर्ट करते जला, दोबारा शॉर्ट किया और तेज हुआ, तीसरे में ऑफ हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, लेकिन वही यहाँ पुश करने से नहीं जल रहा है। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट करने से एकदम जल जा रहा है। तब आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्लेड से आपको ये जो लेग दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी लेग को केयर से काट लेना है। ठीक है, कट गया, देखना है आपको ध्यान से, आपको चोट ना आए, ये काम करते समय हाथ वाथ कटे नहीं, इसको निकाल लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद किसी नीडल की सहायता से इसको केयर से निकालना है यहां से। ठीक है, उसके बाद इसको आप उठा लीजिए। यहां पे देखिए, यहाँ पे कार्बन जम जाने के कारण से ये एक बार में वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे नीडल से ही स्क्रेच करना है आपको, नीडल से या फिर चाकू से, नाइफ से, किसी भी चीज से आप अच्छे से स्क्रेच कीजिए। यहाँ पे पूरा कार्बन यहाँ का आपको हटा देना है। ठीक है, कार्बन हटाने के बाद इसके बाद इस देखिए इसका भी आपको अच्छे से सफाई करना है। ठीक है, देखिए इसमें भी अच्छा सा कार्बन था, जो कि साफ करने के बाद देख पा रहे हैं आप, शाइनिंग आ रहा है साफ करने के बाद। तो इसको भी बीच में पूरे सेंटर में स्क्रेच करना है, उसके बाद आपको साइड में पूरे सेंटर में करना है, यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसके बाद ये पूरा साइड, ठीक है, पूरे साइड में आपको करना है अच्छे से, जिस तरह आपको करने में सहूलियत हो आप उस तरह कीजिए। मैं इसलिए स्क्रेच कर रहा हूं कि ये कॉर्नर और ये मिड पॉइंट यहां आके शॉर्ट होता है, देखिए यहां, ठीक है, ये कॉर्नर देख पा रहे हैं आपको, यहाँ शॉर्ट करने से जल रहा है। ठीक है, जला, फिर जला, ऑफ, जला, ऑफ, और यहाँ देखिए यहाँ जला, ऑफ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है, और यहाँ यहाँ शॉर्ट होने से ये जलता है, इसलिए आपको मैंने बताया कि बिल्कुल बीच में स्केच करना है और किनारे स्केच करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको रख देना है आपको यहाँ पे, रखने के बाद आपको एक बार चेक भी करना है। ठीक है, देखिए काम कर रहा है प्रॉपर, फिर आपको इसको हटा लेना है, इसको रखना है आपको, उसके बाद फिर से इसको लगा देना है। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, कुछ भी फेक नहीं है वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें,
अगर कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे बैठा देना है आपको, ठीक है। जब आपको लगे कि ये प्रॉपरली बैठ गया है, प्रॉपरली जब लगे आपको कि ये बैठ गया है, तो आयरन या किसी भी गर्म चीज के माध्यम से देखिए गौर से, हाँ ये जो पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, इसको आपको हल्का सा ऊपर से गला देना है, ताकि ये फिर जो पत्ती जो आप निकाले थे वो अपने से ना निकले, ठीक है। ठीक है, देख पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी सभी पॉइंट को गला दिया गया, ताकि ये वाली पट्टी जो है मेटल की जो पट्टी दिख रही है वो बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकल जाएगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए प्रॉपर तरीके से स्विच आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब फिर से आपको अच्छे से असेंबल करना है। देखिए फिर से मैं एक बार चेक कराता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जरूर 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 शेयर करें।